ये दिल्ली का ऐसा हिस्टोरिकल गार्डन है जहाँ पर्यटक सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस व्लॉग में। आज आया हूँ मैं दिल्ली के वन ऑफ द फेमस गार्डन लोधी गार्डन में, तो देखते हैं। अब यहाँ आने के लिए JLN स्टेडियम नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। बाहर आते ही ऑटो पकड़ के आप 30-30 रुपए देके लोधी गार्डन पहुंच सकते हो। और ये गार्डन में एंट्री करते हैं, सामने व्यू है। क्या ही व्यू है, सही। थोड़ा आगे आया हूँ मैं और यहाँ आते ही सामने ये दिखता है लोधी मकबरा। ये यहाँ पे फूलों का स्टार बनाया हुआ है, अच्छा दिख रहा है। बाहर से वाइट कलर के फूल है, अंदर रेड कलर के फूल है। गार्डन के अंदर सिकंदर लोधी के इस मकबरे को उनके पुत्र द्वारा सन 1517 में बनवाया गया था। ये एक मंच पर स्थित साधारण सा स्क्वायर स्ट्रक्चर है जिस पर बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी की हार की गाथा को गुदवाया गया था। इसका अंग्रेजों द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था। और ये है दोस्तों बड़ा गुंबद। ये एक बड़ी गुंबज है और इसके पास स्थित तीन गुंबदों वाली मस्जिद के द्वार के रूप में इसे यूज किया जाता था। इसमें जिसका शव दफना है उसकी पहचान नहीं हो पाई है, परंतु ये स्पष्ट है कि सिकंदर लोधी के शासन काल में कोई उच्च पदाधिकारी था। शीश गुंबद, वस्तुकला की दृष्टि से इसमें दो मंजिले इमारत की आकृति झलकती है। इसके अंदर कई कब्र है, इनके बारे में इतिहास में जानकारी उपलब्ध नहीं है, मगर माना जाता है कि इन्हें भी सिकंदर लोधी के शासन काल में बनाया गया था। लोधी गार्डन बगीचों के सबसे पुरानी संरचना के साथ साथ ये वास्तुकला में भी हिंदू और इस्लामी शैलियों के संयोजन का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये था दोस्तों लोधी गार्डन। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।